नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। इंदौर जिले के सावरे तहसील में आने वाला गांव सिलादा खुर्द में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डमरीकरण रोड 1 किलोमीटर बनना था, जो कि रोड कंपनी मेसर्स ओरियन कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार दीपक सोनी के द्वारा 1 वर्ष में पूरा करना था, जो कि आज नवंबर के महीने में भी पूरा नहीं हुआ। 1 महीना बचा है रोड के अवधि समाप्त होने में। देखना यह है कि क्या यह रोड बन पाएगा या फाइलों के कागज में दबा रह जाएगा। 49 लाख की लागत से यह रोड का निर्माण होना था। दिनांक 17/12/2018 से 16/12/2019 को यह रोड पूरा होना था, पर गांव के लोगों का कहना है कि रोड का भूमि पूजन होने के बाद आज तक ठेकेदार ने किसी प्रकार का रोड को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया है। गांव के लोग कई वर्षों से हो रहे परेशान, किसी ने नहीं सुनी इनकी पीड़ा। जिसके बाद समाचार आबादी की गूंज सुनाई पूरी दास्ता। इसके बाद समाचार के द्वारा इस पूरे मामले को बड़ी दबंगता से उठाया जा रहा है। अब देखना है कि कब तक बनेगा यह रोड। देखिए हमारी पूरी खबर अगली खबर में और भी करके खुलासा। आज की आवाज न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। अभी हम बिलोदा पंचायत के अंतर्गत खड़े हैं। सिलोदा खुर्द करके गांव है, जो कि 1 साल पूरा बीत गया है इसको। इसका एक महीने में एग्रीमेंट इसका ख़त्म हो जाएगा, जो कि गांव के लोगों को रोड की राहत मिलना थी, जो कि रास्ता बहुत ख़राब होने से कई लोगों की तकलीफ थी। ये 1 किलोमीटर 200 पॉइंट कुछ बनना था, जो कि आज दिनांक तक नहीं बना। आइए कुछ हम लोगों से बात करते हैं कि रोड क्यों नहीं बना, क्या कारण रहा, इसके लिए जानते हैं। मेरा नाम आनंदी दास है, मैं गांव के मंदिर का पुजारी हूं। और 1.5 साल पहले यहां पर विधायक महोदय आए थे, उन्होंने यहां का उद्घाटन किया और रोड आज तक नहीं बन पाया। बारिश में बहुत भयंकर समस्या रही, बच्चे पढ़ने नहीं जा सके और आज भी नहीं जा सकते, क्योंकि मतलब इन्हें के रोड बहुत ख़राब स्थिति में, इसलिए बस आती नहीं है। बारिश में एक बार बर्फ पलट गई, बच्चों को किसी को चोट नहीं आई, डिलीवरी की गाड़ियां नहीं आ सकती यहाँ पर। डिलीवरी में बहुत समस्या आती है, बहुत मुश्किलें आती है, और अभी तक यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है और ना अभी तक कोई कहने वाला है, और मन मर्जी के काम हो रहे हैं। सर, एक मैं जानना चाहता हूँ कि कितने परिवार यहाँ निवास करता है। यहाँ करीबन करीबन 20 घर के परिवार निवास करते हैं और 300 लोगों की बस्ती। और क्या ये रोड अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कितने लोग को राहत मिलेगी? बहुत लोगों को राहत मिलेगी, यहाँ के आना जाना सब व्यवस्थित हो जाएगा। सर, एक बात बताइए, ये रोड क्यों नहीं बना? ये मतलब इन्हें के नेताओं की और उनकी बेपरवाही की वजह से नहीं बना। क्या कोई बीजेपी कांग्रेस को लेकर ऐसा कुछ था कि बीजेपी के कार्यकाल में रोड का वो हुआ? और नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कांग्रेस वाले वो जो विधायक महोदय हैं वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन भी किया और वो पत्थर भी शिलान्यास भी पड़े हुए हैं ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे लिखे हुए, और उन्होंने शिलान्यास करके गए और आज तक कोई आया ही नहीं। क्या आपके गांव के लोगों ने कुछ, किसी ने कुछ इसकी सुध ली की? हाँ, सुध ली साहब, हमारे गांव के लोगों ने फोन कर करके खूब कहा और आज भी कर रहे हैं, और आज भी संपर्क कर रहे हैं हमारे, मतलब है ना कि जो है अर्जुन सिंह जी जो दरबार हैं, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, मगर सुनते नहीं। बस आजकल 2-4 दिन ऐसा मतलब बताते हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, जाओ, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा, और यहीं का निवासी हूँ। इससे रास्ता बहुत ख़राब है सर, बारिश में इतनी दिक्कत आती है कि पैदल भी चलना मुश्किल रहता है यहाँ। उसके बाद में बच्चे ये स्कूल नहीं जा पाते, और भी बहुत सारी समस्या है, वाहन नहीं आते, कोई इमरजेंसी काम हो तो नहीं कर पाते हम। उसके बाद 4 फरवरी के दिन यहीं पे यही जगह तुलसी सिलावट जी आए थे, इसका भूमि पूजन कर गए, और उसके बाद में ना ठेकेदार भी 1-2 बार आए सर्वे करने, आ जाते कल आते, उसके बाद कोई भी नहीं आया। और हमारे निजी काम पैसे से भी हमने पत्थर डाले, क्या होता है 1-2 ट्राली से, और उसके बाद में सर बहुत परेशानी आती है। ये अभी 1-2 बस यहाँ पलटी खाते खाते बची, बच्चों को जैसे तैसे उड़ा उतारा हमने, और उसके बाद में हमारे पास उसके फ़ोटो भी है, रास्ते के फ़ोटो है, फेसबुक पे भी हमने डाले है। उसके बाद में सबसे अच्छी बात ये बताएं कि यहाँ पे अभी किसी प्रकार की मुहरम वगैरह डाली गई, कुछ करा गया है? मुहरम जो डलनी थी वो नहीं डली। हाँ, जहाँ 10 डैम्पर की जरूरत थी वहाँ 1 डैम्पर डला है। अपन बात करें कि रास्ता जो है चलने योग्य भी नहीं। अभी बहुत दिक्कत आ रही है, अभी बाइक से अगर जाते हैं ना
तो वो जो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ट्रैक्टर जो निकले उसमें मोटरसाइकिल अगर निकालते हैं तो गिर जाते हैं। कल मेरे को मंडी जाना था, मेरा धान लेके मंडी जाना था मेरे को, तो सुबह सुबह अब एक तो मंडी पहुंचना रहता है जल्दी, तो मैं मंडी नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरा ट्रैक्टर ही फंस गया वहाँ, फिर उसको बांधा खींचा जब तक मंडी लेना मैं पहुँचा। अभी ऐसे बात करें, ऐसे तुलसी सिलावट जी की बात आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब होने के बाद क्या उनको आपको शिकायत करी? तो आए नहीं आज तक वापस। नहीं, उनको तो हमने बोला और उन्होंने ठेकेदार से संपर्क करने का बोला, पर ठेकेदार सुन नहीं रहा है। क्या ठेकेदार से आपने रूबरू बात करी या फोन लगाया? ठेकेदार यहीं आते तो मिलते हैं, हम यूँ कहाँ ढूंढे उनको। दो चार बार फोन लगाया, फोन हाँ आ रहे कर रहे हैं, बस एक दो दिन में काम चालू हो रहा है, चार दिन में हो रहा है, आठ दिन में हो रहा है, आठ महीने हो। क्या आपको भी पता है कि एक महीने में इसकी रोड की अवधि खत्म हो जाएगी? नहीं, ये सब कुछ नहीं मालूम। आपके यहाँ पे गांव के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा जिसमें पूरी कंडीशन डली है कि रोड कैसा बनना है, किस प्रकार से बनना है और कितने की लागत से बनना है, क्या आपको पता है सब चीज़? हाँ, ये तो पता है। हम आपको हमारे चैनल के वापस एक बात बताना चाहते हैं कि ये रोड अगले महीने में इसकी अवधि जो है ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर इस बीच में आपको राहत रोड को लेकर राहत नहीं मिली तो शायद कब बनता है, फिर इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए तो फिर आंदोलन करेंगे। अभी चुनाव के टाइम भी हमने सभी ने दोनों गांव बिलोदा और सिलोदा ने मिल के बहिष्कार का करा था। चलिए, आपके एक अच्छा जो रोड को लेकर आपका एक जो मुद्दा है इसको हम हमारे चैनल के मार्फत दिखाएंगे, इसमें आपकी जो भी हेल्प होगी हम इसको मतलब आइए, कुछ लोगों से हम जानते हैं। दादा आप आगे आ जाओ। कौन बोलेगा, नाम बताओ आपका? श्रवण सिंह। क्या समस्या है रोड को लेके? ये रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए सर, बहुत समस्या है यहाँ पर, क्योंकि बारिश में तो आफत पड़ती है, उसमें पानी गिर आवाज़ बहुत समस्या आती है। आम जनता को रोज सुबह जाना पड़ता है गाड़ी वाहन से। जैसे एक अच्छी बात करें कि आज भारत आजाद हुए को 70 साल बीत गए, 70 साल में क्या इस रोड का कुछ उद्धार हुआ? कुछ भी हुआ सर, 70 साल बनना चाहिए रोड, बनना चाहिए सर। 70 साल बीत गए अभी से देश आजाद हुआ, जनता अभी आज भी अवसर दे रहे, हर कोई आता है लेता है, हाँ बनाएंगे रोड, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। इस गांव में और क्या फैसिलिटीज है आप वंचित है जो आपको मिलना चाहिए? फिलहाल तो रोड सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे। रोड का कार्य हो जाए तो कई परिवार के चेहरे पर रौनक आ जाएगी, ऐसा मानते हैं क्या? हाँ सर, बहुत मतलब रोड बनना चाहिए, अतिशीघ्र बनना चाहिए, अतिशीघ्र बनना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है। भविष्य अच्छा हो जाएगा, बहुत समस्या समय से, और पैदल जाते हैं आधे बच्चे वाला वहाँ से, वहाँ लोग 2-3 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, अब गाड़ी नहीं आती सर। अपन देखें, अभी कुछ हम छोटे बच्चों से भी बात करेंगे कि ये बच्चे स्कूल जाने में इनको क्या समस्या होती है, क्या बताओ? बलराज सिंह राठौर। बेटा, आप स्कूल जाने में हमने सुना है कि आप स्कूल अच्छे बारिश में भी अच्छे से जा पाते हैं, क्या जा पाते हैं स्कूल? नहीं जा पाते, यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है बारिश में कि यहाँ पर बस पलटी खाते खाते बची और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये खुद था अंदर? मैं खुद अंदर था। आपका स्कूल इस गाँव से कितनी दूर है? यहाँ से सावेर जाते हैं 7-8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, मतलब बेटा आप ये मानते हो गाँव में, ये मानते हो आप की रोड अगर बन जाए तो आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं? हाँ, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, और इस रोड अगर ये बन जाए तो सबके चेहरों पर रौनक आ सकती है और यहाँ पर आवक जावक और बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। हाँ। बेटा नाम बताओ, बोलोगे? बताओ। मेरा नाम राजवीर सिंह राठौड़ है। यहाँ बहुत सारे समस्या होती है, कभी ट्रैक्टर फंस जाता है, कभी गाड़ी फंस जाती है। क्या अगर हम अगर इस हमारी मुहिम से हम इस रोड को अगर कुछ आपको राहत दिलवा दें तो क्या ठीक होगा, मतलब अच्छा रहेगा, रोड बन जाएगा? अच्छा रहेगा, सबको खुशी भी मिल जाएगी। और अभी अतिशीघ्र बनना चाहिए रोड। हाँ, बनना चाहिए। कुछ बच्चे स्कूल के उनका ये भी कहना था कि हम अगर हमारा रोड बन जाए तो हम कुछ साइकिल चला पाएंगे या और भी कई सारी चीज़ों को हमको लाभ मिलेगा। अब इस पूरी मुहिम को हम इस प्रशासन से बात करी जाएगी कि ये रोड क्यों वंचित रहे हैं, क्या 70 साल आज़ादी होने के पश्चात कई छोटे छोटे ग्रामीण सड़कें हैं और वो सब बन चुके हैं, तो ये क्यों लोग वंचित इससे, इस पूरे मामले को हम एक्सपोज करेंगे और जो ठेकेदार है उसका कोशिश करेंगे कि इसको एक महीने की अवधि बची है इसमें उसको अतिशीघ्र बनवाया जाए। इस पूरे मामले को हम दबंगता से उठाएंगे। इस समय मैं अक्षय के साथ, गौरव जैन के साथ, मैं मनोज सिंह, इंदौर, आज की आवाज़।